हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वो आपका एग्ज़ाम का एनालिसिस दीजिएगा एग्ज़ाम सेंटर से आने के बाद, बट ऐसा हुआ कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया किसी कारण से, पर्सनल रीज़न है, और मैं सेंटर पे ही लेट से पहुंचा क्योंकि मैं वहीं पे फंसा हुआ था और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो इसलिए मैं एनालिसिस नहीं दे पाऊँगा। और होता है कभी कभी यार, थोड़ा तो दुख हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि मैंने छोड़ दिया पेपर, बट वही है कि चलो कभी कभी कुछ उससे जगह ही ज़्यादा ज़रूरी था वो, तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ दे दे तो वही। और मैं पता नहीं इस बार थोड़ा वो कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, उतने दिन से कुछ ढंग से पढ़ भी नहीं रहा हूँ, बट हाँ एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते थे ना, बट वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जिनका भी पेपर है उन सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा और पेपर देकर बताइएगा ज़रूर कि आपके अटैम्प्ट कैसे रहे और कितने आपने अटैम्प्ट किए हैं और कहाँ आपका सेंटर था, कैसा रहा पेपर का लेवल। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। और बस पढ़ते रहिए, और अभी जिनका जो भी लोग आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे तो लोग एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि वो उसकी भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगी एक मंथ में, तो फिर उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।